हेलो गाइस, आराध्या सो रही है और आज हमने रूम चेंज किया है। पहले हम ऊपर थे, हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, नीचे वाले रूम में आ गए हैं। आंटी के उसी मकान में नीचे रूम में आ गए हैं और रात के 11:30 बज रहे हैं आज। इसीलिए हम बहुत बिजी थे, रूम खाली कर रहे थे तो सामान इधर से उधर किया और लाइट चली गई। मैं आराध्या की हवा कर रही हूँ। आराध्या के पापा भी चाय पी के हटे हैं। हेलो गाइस, मैं आराध्या की हवा कर रही हूँ। अब इसको गर्मी लग रही है। अरे ये क्या है देखना, अभी इसको फील करा के लिटाला है बाबू के लिए। हाँ क्यों रो रही है आराध्या, क्या हुआ बाबू? आराध्या को क्या हुआ? हाय करो, हाय करो, हाय आराध्या, हाय करो, हाय करो बाबू। गर्मी लग रही है आराध्या को, गर्मी लग रही है बाबू के लिए। अभी आधा सामान ऊपर है, अभी आया नहीं है। अब सुबह को रात टाइम बहुत हो गया था इसीलिए लो लाइट भी आ गई। टाइम बहुत हो गया था इसीलिए सामान अभी आधा ऊपर है, अभी आया नहीं है, सुबह को लेके आएंगे। और आज इन्होंने छुट्टी की है, इसके पापा ने, आज गए नहीं थे क्योंकि सामान रखा जा रहा था। आधा सामान रख गया है अभी, आधा भी नहीं रखा गया है, आधा सुबह को रखा गया है। लेट जाओ बैठे कैसे हो? लेट आते ही आराध्या को नींद आ गई, आराध्या सोने लगी। हेलो गाइस, हमारा नया रूम है, आपको कैसा लगा? अभी कुछ भी सेट नहीं किया है, बस अभी सामान आ गया है। बेड कस लिया था क्योंकि लेटने की प्रॉब्लम होती, ऊपर गर्मी भी बहुत थी, नीचे गर्मी नहीं है, नीचे ठंडा रहता है। सुबह को बहुत काम हुआ, किचन का सामान भी अभी कुछ भी नहीं आया है क्योंकि आंटी ने किचन अभी खाली नहीं किया है। उनका सामान किचन में रखा हुआ है, वो सुबह खाली करेंगे तब हम उसमें अपना सामान रखेंगे। हमारा सामान भी अभी ऊपर वाले किचन में ही रखा है, अभी ऊपर से आया नहीं है। आराध्या के पापा को नींद आ गई। तुम ऐसे क्यों लेटे हो टेढ़े टेढ़े, सीधे हो गए तो सही से। मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी लो, थकान बहुत हो गई थी, फिर चाय का मन हो रहा था, फिर मैंने चाय बनाई। आज मेरा भांजा आया था परी को देखने के लिए, आराध्या को देखने के लिए। अब उसका पेपर था कल, इसीलिए वो चला गया। हेलो गाइस, बाय। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाय गाइस।